अरे गोली टप्पू अरे टप्पू गोगी अरे गोली अरे वो साइकिल पे उसको अरे टप्पू कोई बात तो सुनो गोगी अरे हेलो गोली बिल्कुल दोनों बच्चे अरे रोको रोक ये उम्र में क्यों भगाता है अरे पकड़ पकड़ के गोगी पुत्र पकड़ छोड़ो पकड़ तो पकड़ गोगी पुत्र रुक अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ अरे पीड़ू बहुत जोर की पत्थर लगा यार अरे यार पीड़ू छोड़ यार ओ गोगी ए गोगी रुक गोगी टप्पा गोली गोगी टप्पा टप्पा मंदा साहब क्या हुआ क्या हो गया यार रिक्शा में पीछा करते हैं ना गुड आइडिया चलो 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 अरे यार क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो देखो यार भाई को तुम दोनों उतरो दोनों उतरो दोनों उतर जाओ ओ साहब तुम चारों उतर जाओ क्यों टायर पंचर है भगवान रिक्शा को भी अभी पंचर होना था या पापड़ लाल है ही एक नंबर का पनौती इधर जाता है क्या बोल रहे हो यार भाई पनौती का क्या मतलब ऐसे कोई पनौती बोलता है क्या पनौती मतलब नहीं बात गलत जा रहा भाई ऐसे का पनौती अरे भाई उतरो जल्दी पकड़ ले बच्चे भाग जाएंगे यहां पर क्या अरे रुको मेरी बात सुनो टप्पू टप्पू सेना अरे भाई क्यों दौड़ा रहे हो इतना है? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई अरे पपड़ा लाल यहाँ पर भी जा दे अरे चलो 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 टप्पू देख पोस्टर चल चल टप्पू ये पोस्टर लगाने वाले को छोड़ेगा नहीं और उसे नहीं छोड़ने के लिए उसे पकड़ना तो पड़ेगा ना हाँ लेकिन हम उस पोस्टर लगाने वाले को ढूंढेंगे कैसे कम ऑन फ्रेंड्स अरे एक कोड़ा अरे बच्चों अरे अंकल 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 ये पोस्टर यहाँ पर किसने लगाया मुझे मालूम नहीं अरे अंकल कैसे नहीं पता वो गाड़ी वाला यहीं पर आया होगा हाँ। कौन कार से आया होगा अरे वही लड़का जिसने पोस्टर लगाया है हाँ। तुमको पता ही है तो मुझसे क्यों पूछ रहे पोस्टर किसने लगाया अरे अंकल हमें सिर्फ इतना पता है कि एक लड़के ने पोस्टर लगाया पर ये नहीं पता वो लड़का कौन है हाँ। मुझे तो इतना भी पता नहीं किसी लड़के ने पोस्टर लगाया है क्यों नहीं पता आपका ध्यान किधर होता है दुकान बंद कर दो क्या कर रहा है भाई भिड़े अंकल मुझे पोस्टर लगाने वाले को पकड़ना है अरे हमें ही पकड़ना है भाई अरे टप्पू ओ गोली ओ गोगी ओए टप्पू पुत्र गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है पर मैंने शांति बनाई हुई है ना तू भी शांत रह प्लीज ओए पापा मैं तो चट्टू बना ओए गोगी पुत्र ठंड रख यार और मिलके बाद में उसको छटेंगे नहीं अभी ठंड हाँ शांति क्या हो रहा है टप्पू बेटे कितनी आवाजें दे रहे हैं तुम्हें ये क्या नादानी है ऐसे साइकिल लेके निकला है सोसाइटी से अरे भाई टप्पू सेना बड़े क्या कह रहे हैं जरा सुनो तो सही आप लोग अरे एकदम मिलिट्री के माफिक तुम लोग अटैक करने निकल पड़े और क्या टप्पू अरे 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 एक मिनट जेठालाल एक मिनट जरा इधर आ जाओ भाई अभी आराम से बात करो थैंक यू बोपटलाल टप्पू बेटा टप्पू बेटा
एक तो पोस्टर लगाने वाले नरदम पापी ने हमें इतना परेशान कर रखा है, ऊपर से तो इस तरह भाग भाग के और हम लोगों को भगा भगा के और क्यों परेशान कर रहा है बेटा। सॉरी पापा, पर पापा मुझसे दादाजी की इंटरेस्ट नहीं होती। हाँ टप्पू बेटा, देखो तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, और पुलिस भी पूछताछ कर रही है, ठीक है? अभी चलो तुम लोग गोकुलधाम चलो, चलो 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 आराम से, चलो संभल के संभल के। अरे ना ठीक हूँ, थोड़ी अरे थोड़ी मैं टप्पो बेटा क्या नादानी है ये? दादाजी मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ पर आपकी इंटरेस्ट सहन नहीं कर सकता दादाजी। टप्पो बेटा शांत हो जा, मैं वो पोस्टर लगाने वाले को श्राप देती हूँ, वो जब भी अपना फोटो खींचवाए फोटो में उसका नाक और कान आए ही नहीं। नहीं दया, वो पोस्टर बाद जब भी अपनी फोटो खिंचवाए तो फोटो में उसके मुंह की जगह गधे का मुंह आ जाए। अरे जीठिया शांत हो जा भाई, शांत हो जा, गुस्सा मत कर। नहीं बापूजी। क्या नहीं, गुस्से में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। सही बात है बापूजी, अगर मैंने उस लड़के को सबक नहीं सिखाया तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। जीठिया मुझे किसी को कोई सबक नहीं सिखाना, तू उससे बदला लेगा फिर वो तुझसे बदला लेगा, ये सब तो ऐसे चलता ही रहेगा। बस बहुत हो गया, इस बात को यही खत्म करो और भूल जाओ सब। अरे तू कहाँ जा रहा है, दुकान नहीं जाना? हाँ वो बेटा जा दुकान जा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहू जेठिया का अगर दुकान से फोन आए तो ये पोस्टर के विषय में कुछ बात मत करना, जेठिया और टप्पू मेरा अपमान सहन नहीं कर सकते। अरे सेठ जी मैं हूँ नटू काका। क्या सेठ जी, ये बिली पत्र है, सवेरे बागावर में बाबुलनाथ मंदिर गए थे। क्या हुआ सेठ जी, सर में दर्द हो रहा है? नहीं नटू काका, मुझे लगता है सेठ जी के पेट में दर्द है, है ना? नहीं भाई। तो फिर कहाँ दर्द हो रहा है? ओ डॉक्टर चाचा भतीजा, मुझे कहीं कोई दर्द नहीं है, अपना काम करो जी। अरे बागा जी, जरा उधर से खुर्ची देना तो। हाँ आपके पैरों में दर्द है ना? बागा, मैंने कहा था ना कि सेठ जी की बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द मौजूद है। आई एम फील द पेन फ्रॉम हियर।
इसके पहले कि पैरों का दर्द सर तक पहुंच जाए जरा खुर्ची दोगे प्लीज? कमोन 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 बागन, प्लीज प्लीज कम कम कम। बैठिए सेठ जी। सेठ जी सीटेड। क्या बात है सेठ जी, आज अचानक पैर में दर्द क्यों हो रहा है? ऐसे ही। नो सेठ जी, दर्द ऐसे ही थोड़े होता है, बताइए ना क्या बात है? कोई बात नहीं है भाई, नटू काका उमर 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 का काम करती ही है। ए उमर वाली क्या कुछ भी बोल रहा है तू? तो फिर बताइए ना सेठ जी क्या बात है? देखिए सेठ जी, दुख और तकलीफ बांटने से कम होते हैं। प्लीज शेयर मी विथ योर ट्रबल। मुझे कोई दुख कोई तकलीफ नहीं है, बस आज किसी का बैंड बजाने का मन कर रहा है। सेठ जी, मेरी पहचान के एक दो बैंड बाजे वाले हैं, मैं अभी उन्हें फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। लेकिन सेठ जी, उनके पास बहुत सारे वाजिंत्र हैं, आप कौन सा बजाना पसंद करेंगे? सिटी। तेरे कान के नीचे एक जोरदार सिटी बजाऊंगा। यहां मैं इतनी तकलीफ में हूं और तुझे मजाक सूझ रहा है? सेठ जी क्लियर फर्स्ट, आप तकलीफ में हैं कि खुशी में? बैंड बजे तो खुशी में बजाया जाता है, पर आप बोलते हैं तकलीफ में है, बात कुछ हजम नहीं हुई सेठ जी। कल सुबह बापू जी गांधी मार्केट से जलेबी फाफड़ा लेके आ रहे थे, तभी तो उस लड़के की वजह से मैं तकलीफ में हूँ और उसे ढूंढ के उसका बैंड बजाना है। अभी बात हजम हुई? ऑफ कोर्स नॉट। हस भागा, सेठ जी वांट्स टू कैच द होल्ड बॉय। समझ गया नटू काका, सेठ जी आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, समझिए आपका काम हो गया। चलिए नटू काका। चलो। अरे चलिए चलो, क्या एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो चाचा भतीजा? उस लफंगे लड़के को पकड़ने। कैसे? सेठ जी आप सिर्फ मिठाई खाइए, दुकान का पता क्यों पूछते हो? अरे लेकिन वो लड़का कौन है वो जाने बिना उसको कैसे पकड़ोगे तुम लोग? सेठ जी हमारे पास एक से बढ़कर एक आइडिया है। देखो जो भी आइडिया लगाओ सोच समझ के लगाना। डोंट वरी सेठ जी, वी आर परफेक्ट आइडियलिस्ट। हम चाचा भतीजा जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं, बस आप हमारे स्वागत की तैयारी कीजिए। सेठ जी हम अभी विजय पताका लहरा के आ जाएंगे। Come on, भागा, we have no time to further discussion. Come on, don't waste time. We have no time to discuss. समझ में नहीं आ रहा है उस लड़के को कैसे पकड़ेंगे ये लोग। भागा, हमने जोश में आकर सेठ जी को बोल तो दिया कि हम उस लड़के को पकड़ लेंगे, बट नाउ व्हाट टू डू? वी हैव नो एनी क्लू फॉर दैट बॉय। तो उस लड़के को हम पकड़ेंगे कैसे? नट्टू काका मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम भी जगह जगह पोस्टर लगवाएंगे और उस पे छपवाएंगे कि चंपकलाल गड्ढा का गलत पोस्टर छापने वाले लड़के को ढूंढ के जो लाएगा उसे 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बागा, तुझे लगता है तेरा ये आइडिया काम करेगा? 150% काम करेगा नट्टू काका, मैंने ऐसे ही 2 केस डबल पैसे दिलवा कर सॉल्व किए हैं। कैसे? एक बार मैं घर से भाग गया था तो मेरे पिताजी ने जगह जगह पोस्टर लगवाए और उस पे छपवाया था कि जो मुझे ढूंढ के लाएगा उसे 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर तुझे कोई ढूंढ पाया? कैसे ढूंढ पाता नटू काका, मैंने भी सामने दूसरा पोस्टर लगवाया और उस पे छपवाया जो मुझे छुपा के रखेगा उसे 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या नटू काका, मुझे ढूंढने वालों के बीच और छुपा के रखने वालों के बीच में जंग छिड़ गई और मैं
आजाद पंछी की तरह उड़ रहा था। बागा तेरा ये आइडिया तो सुपर भाई, आला ग्रांड। लेकिन उसके लिए बापूजी का पोस्टर चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगा? गांधी मार्केट से। हाँ? सेठ जी ने कहा था ना, उन्होंने गांधी मार्केट जाकर पोस्टर फाड़े थे। अरे हाँ, चलो चलिए चलो। कहाँ मिलेगा पोस्टर? फिकर मत कीजिए नट्टू काका, जरूर मिलेगा पोस्टर। मिल जाएगा ना बाप? मिल जाएगा। ये नहीं, ये फिल्म का पोस्टर है। ये क्या है नट्टू काका? अरे कचरे में देखते तो है। वो क्या क्या करवाएगा बागा मुझे? कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा नट्टू काका, मिल जाएगा। ये देखिए नट्टू काका। अरे पूरा पोस्टर मिल गया। हाँ, इसे ले जाकर नया पोस्टर छपवा लेंगे। चलिए चल बागा। बराबर है। एक लाख बराबर लिखना भाई। अंधेरी पूर्व, पिन कोड रह गया 069। सर ये देख लीजिए, बराबर है। हाँ एक मिनट। हाँ बराबर बराबर है, एकदम बराबर है भाई। तो बाकी के प्रिंट्स निकाल दो ना। अरे बागा दादू उड़ाई वाले, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। बेटे तेरी पहचान को दाद देता हूँ, इतने में तो तूने पोस्टर भी छपा दिए। हाँ नट्टू काका, अब जैसे ही कॉपी आएंगी हम फटाफट दीवार पर चिपका देंगे। हाँ? ताकि वो बदमाश जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हाँ? आ गई सारी कॉपी लाइए। अब देखना नट्टू काका, वो लड़का जरूर पकड़ा जाएगा। वेरी गुड माई क्लेवर बागा बॉय, योर कैलिबर माई प्राउड। थैंक यू नट्टू काका। चलिए और जगह जाकर पोस्टर लगा देते हैं। Yes, come on. ऊपर का पोस्टर छपवाने वाले आदमी को जो पकड़ कर ले आएगा उसे जेठालाल चंपकलाल गड़ा 1 लाख रुपया रोकड़ा देगा। क्या बोलते हैं? क्या बात है यार, पर ये पोस्टर छपवाने वाले को हम ढूंढेंगे कहाँ से? तू समझता नहीं है। अरे मैं तुझे पकड़ कर ले जाऊंगा, तू बोल देना कि ये पोस्टर तूने छपवाए। नहीं नहीं यार, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पुलिस ने पकड़ा तो मुझे। अरे कोई पुलिस का लफड़ा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो तुझे थोड़ा बहुत मारेंगे। मलम पट्टी का 8-10 हजार रुपए का खर्चा होगा, बाकी के 90 हजार तो हमारे हुए ना। अरे तू थोड़ा ज्यादा ले लेना। आइडिया तो अच्छा है यार। 1 लाख रुपए चलो। अरे पहले पोस्टर तो ले ले प्रूफ के लिए। सीख रहा है बीड़ो। आपके बापूजी का पोस्टर लगाने वाले को ढूंढ रहे हो ना? हाँ यही है वो जिसने आपके बापूजी के पोस्टर लगवाए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाचा अपनी उम्र तो देखो, ये उम्र में ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती आपको? और आपकी वजह से मेरे बापूजी को कितनी तकलीफ हुई मालूम है?
बेटा सॉरी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। गलती हो गई माफ कर दो, क्या जमाना आ गया भाई साहब, ये उम्र में भी लोग ऐसा काम करते हैं। मुझे तो लगा कोई जवान दिखने में 26-27 साल का लग रहा था और ऊंचाई मेरे जितनी थी और थोड़ा सा गोरा था। बापूजी ने तो कहा था फोटो खींचने वाला जवान लड़का था, ये तो बूढ़े चाचा है, ये क्या गड़बड़ है? एक बात बताइए चाचा, ये पोस्टर आपने खुद लगाया या किसी के कहने पर लगाया? मैंने खुद पोस्टर लगाए थे। हाँ तो लाइए मेरे 1,00,000 रुपए। 1,00,000? किस बात के 1,00,000? क्या सेठ जी, आप ही ने तो ये पोस्टर छपवाया है ना? ऊपर का पोस्टर छपवाने वाले आदमी को जो पकड़ कर ले आएगा उसे जेठालाल चंपकलाल गड्ढा ₹1,00,000 रोकड़ा इनाम देगा। ये कौन सा नया पोस्टर आ गया? ये पोस्टर मैंने नहीं छपवाया। बस क्या सेठ जी, 1,00,000 रुपए देने की बात आई तो पलट गए? अरे भाई ये पोस्टर जब मैंने छपवाया नहीं तो पलटने की बात कहाँ से आई? अरे तो ये पोस्टर किसने छपवाए हैं? मुझे क्या पता, कहीं ये नटू काका और बघा का आइडिया तो नहीं है? 1 मिनट भाई, किसका फोन आया? हेलो नटू काका, आपने कोई 1,00,000 रुपए का इनाम वाला पोस्टर छपवाया है? हाँ सेठ जी, आपने कहाँ देखा? अरे नटू काका, हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? बैटरी गई। अरे आपके फोन वोन बाद में करना, पहले मेरे 1,00,000 रुपए दे दो। 1,00,000 रुपए दे दो बड़े, मेरा बापूजी का पोस्टर जिसने चिपकाया है वो जवान लड़का है, ये जवान लड़का है, बूढ़े का मेकअप करके आया है, उल्लू बनाते हैं, धोखेबाजो। रुको रुको, पुलिस को फोन करता हूँ। अरे जाने दो सेठ जी, चलो। अरे रुक, अरे रुको, धोखेबाजो। अरे लेकिन हाथ तो चल, चुप चाप लेकिन हाथ छोड़ो। अरे चल हाथ तो छोड़ साहब, यही है वो लड़का जिसने आपके बापूजी के पोस्टर्स लगाए थे, मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। तो तू है वो बेशरम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दो अंकल, प्लीज माफ कर दो मुझे। माफ नहीं, अभी तो साफ होगा, पुलिस के हाथों। नहीं पुलिस नहीं, माँ बाप है ना? क्या नंबर, क्या घर का नंबर दे, उनका भी इधर बुलाता हूँ, उनको पता तो चले उनका कुंवर कैसी कैसी हरकतें करता है। नहीं नहीं माँ बाप नहीं है। भाई साहब मैं क्या कहता हूँ, मेरे 1,00,000 रुपए दे दीजिए। आजा, चल चल चल। आप जेठालाल हैं? देखिए इसे मैंने पकड़ा है, रंगे हाथों मैंने पकड़ा है पोस्टर लगाते हुए। लाइए वो 1,00,000 रुपए मुझे दीजिए, लाइए लाइए 1,00,000 रुपए। आजा अभी बुला लो, आजा साहब। ये झूठ बोल रहा है, पोस्टर तो ये लगा रहा था बस स्टॉप पे, वहां से पकड़ के लाया हूँ, अगर इनाम देना है तो मुझे दीजिए। क्यों झूठ बोल रहा है, मैंने इसे पकड़ा है, हमने देखा है इसको पोस्टर लगाते हुए। चल अरे चल, अरे चल आगे, इसी आदमी ने पोस्टर लगाया और तू पकड़ के इधर लेके आया हूँ। सर 1,00,000 रुपए दे दो मुझे। अरे नहीं भाई मैंने पोस्टर लगाया मैंने। अरे साहब ये कहाँ से आ गए, कोई भी बोलेगा ये, इसको पकड़ के लाया हूँ मैं। यही है वो पोस्टर लगाने वाला, वो 1,00,000 रुपया मुझे ही चाहिए। ए भाई इसने मैंने मैंने मेहनत की, ये यही पोस्टर पर ये सब क्या है, इतने सारे पोस्टर लगाने वाले कहाँ से आ गए? शांति शांत हो जाओ सब लोग। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब वो पोस्टर चिपकाने वाले मिल गए। मिल गए? मिल गए मतलब क्या, पूरी कोई गैंग है? गैंग नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को पकड़ के लेके आए कि पोस्टर इन्होंने लगाया है। जेठालाल इतने सारे लोग एक साथ कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने पोस्टर चिपकाए,
ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है, वो नट्टू काका और बागा ने जगह जगह पोस्टर चिपका है कि बापूजी का पोस्टर चिपकाने वाले को जो पकड़ के लेके आएगा उसको मैं 1,00,000 रुपया इनाम दूंगा। ओहो, अभी ओहो क्या, बताइए मैं क्या करूं, कैसे पहचानू इसमें से असली कौन है? जेठा लाल, किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी असली नहीं है। अरे सारे लोग उस 1,00,000 रुपए के इनाम के चक्कर में आ गए, इसलिए बोल रहे हैं कि पोस्टर उन्होंने लगाए। मुझे भी मन ही मन में शक तो हो ही रहा था, लेकिन अभी क्या करूं मेहता साहब? क्या करोगे तुम? सबसे पहले बाघा और नट्टू काका को बोलो, इन्होंने जो माइंड ब्लोइंग इंटेलिजेंट आइडिया लगाया है ना 1,00,000 रुपए इनाम देने वाला, ये पोस्टर सबसे पहले हटाए, वरना थोड़ी देर में तुम्हारी दुकान पे हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब आप, मैं अभी के अभी नट्टू काका को फोन करता हूँ। थैंक यू मेहता साहब। ऑल राइट जेठा, ओके बाय। अरे आ जाते कहीं से। ये रिक्शा भी कभी टाइम पे नहीं मिलती। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए, ये नट्टू काका का फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो उनके फोन की बैटरी मर गई है। अच्छा सुन, तूने और नट्टू काका ने जो पोस्टर लगा है वो अभी का भी निकाल दो। क्यों? तू मत पूछ क्यों, मैं पूछता हूँ क्यों? क्यों तुमने मुझे पूछे बिना ये पोस्टर लगाए? और ये 1,00,000 रुपए की रकम किसको पूछ के रखी? किसी को नहीं सेठ जी, वैसे मैं रकम कम ही रखने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप मुझ पे गुस्सा करोगे कि आपके बापूजी को परेशान करने वाले को ढूंढने के लिए इतनी कम रकम, आपकी मार्केट में क्या वैल्यू रह जाएगी? मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जब मैंने इनको जाने दिया। बागा, जितने भी पोस्टर लगाए हैं तुम दोनों ने वो अभी के अभी निकाल दो और फाड़ के फेंक दो। लेकिन क्यों सेठ जी? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जितना बोला उतना करो जी। ये लगा रहे थे पोस्टर, इसने लगाया पोस्टर। अरे नहीं, मुझे 1,00,000 रुपए देना चाहिए। हां ये मेहनत करके लेके आया सब। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मुझे इनाम का हकदार मैं ही हूं। अरे पकड़ के लाए भी हूं, पैसा दो बाबा। एक लाख आपने बोला ना, 1,00,000 देने का देना चाहिए। शांति रखो। हाँ हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। वो पोस्टर चिपकाने वाला मिल गया है, लेकिन क्या कि बहुत सारे लोग मिल गए तो समझ में नहीं आता कि असली कौन है। हाँ तो मैं क्या कहता हूँ, 1-2 मिनट जरा दुकान में आ जाते हैं आप, तो क्या आप जरा अपने तरीके से जांच पड़ताल कर लो तो पता चल जाएगा कि असली गुनहगार कौन है। हाँ वही वही, आपके पास तो क्या अलग अलग तरीके होते हैं ना सच उगलवाने के। हाँ वैसे जो भी पकड़ा जाएगा उसको कितने साल की सजा होगी? 3 साल। मैं क्या कहता हूँ, 3 साल कम नहीं है? 1-2-4 केस और लगा दो ना, कोशिश करना जितनी ज्यादा उसको सजा मिल सके, 5-6-7-10 साल। पैसे की चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। ठीक है आओ ना, वही अपनी दोस्ती कब काम आएगी। तो आप आइए, मैं सभी को इधर ही रोक के रखता हूँ। हाँ आइए जल्दी आइए। ठीक है ओके। हाँ भाई, अभी आप में से जो असली पोस्टर चिपकाने वाला हो सिर्फ वो यहाँ रहे, बाकी सारे जा सकते हैं। ओ यारो, ओ मेरा दिल कह रहा है ये बदमाश जिसने चाचा जी को तंग किया है ना, ये जल्दी पकड़ा जाएगा और मैं इसको पकड़ के ऐसा पंच मारूंगा ना कि ये बंदा पूरा पंक्चर हो जाएगा और उसके बाद किसी भी गैराज में ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। इसको तो मैं सॉरी भाई, गिला संभाल के। सॉरी अब्दुल प्रा, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया यार। अच्छा अच्छा, कैसे कैसे लोग होते हैं? क्या मतलब? सोड़े भाई आपको नहीं, वो पोस्टर चिपकाने वाले को बोल रहा था। हाँ
होते हैं अब्दुल, होते हैं ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स। ये असामाजिक तत्व, इन लोगों का काम यही होता है लोगों को परेशान करना, न्यूसेंस क्रिएट करना। और कोई अच्छा काम करे, भला काम करे, तो ये दुनिया हमेशा उसकी दुश्मन होती है। सही बात है। अच्छा मेहता साहब, मान लो वो लड़का हमारी पकड़ में आ जाता है तो हम उसको क्या सजा दिलवा सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम मानहानि का केस कर सकते हैं और मानहानि करने के जुर्म में उसे जेल करवा सकते हैं। अरे और तो और, हम फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। मतलब चाचा जी को जो उस लड़के की वजह से ये मानसिक संताप हुआ है, परेशानी हुई है, जिस तरह से हमको मानसिक तनाव हुआ है, हम लोग 5-10 लाख का दावा कर सकते हैं। नहीं नहीं, पैसा तो ठीक है, बस एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए। आएगा जेठालाल, जरूर आएगा, क्योंकि मैं उस पोस्टर चिपकाने वाले लड़के पर ऐसी न्यूज बनाकर छापूंगा कि उसकी दुनिया हिल जाएगी। ओए पप्पू, और लातों के भूत लातों से मानते हैं, बातों से नहीं मानते। अरे भाई सोड़ी, तुझे कलम की ताकत का अंदाजा नहीं, कलम हमेशा तलवार से ज्यादा मजबूत रही है। ओए क्या बात कर रहा है, और कभी तलवार पकड़ कर लड़ा किसी से? अरे सोड़ी, कलम जो है वो। अरे भाई तुम लोग क्या कलम पकड़ के तलवार पे बैठ गए हो? वो सब छोड़ो, ये सोचो उस लड़के को हम लोग पकड़े कैसे। ओ यारो मैं बताऊं? हाँ। ओ अपने हाथों से। और जब वो बदमाश फिर से पोस्टर चिपकाने आएगा ना, तो हम सब उसको अपने हाथों से धर से पोंछेंगे। सोड़ी, मुझे नहीं लगता वो लड़का दोबारा पोस्टर चिपकाने आएगा। सही बात है, ऑलरेडी जब एक बार पोस्टर चिपके हुए हैं, दोबारा उसके ऊपर वो पोस्टर क्यों चिपकाएगा? अरे डॉक्टर हाथी, उस लड़के ने जो पहले पोस्टर चिपकाए वो तो हम सब फाड़ चुके हैं। अरे हाँ, फिर तो वो पोस्टर चिपकाने दोबारा आ सकता है। अरे देवा, अगर ऐसा हो गया तो चाचा जी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि चाचा जी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, और चलो पेट्रोलिंग पे। वो याद नहीं है वो पान वाले ने क्या कहा था? वो पोस्टर शायद रात को ही चिपका के गया था। बिल्कुल ठीक करा छोटे, चलो 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 निकलते हैं। जेठालाल जेठालाल, देखो तुम यही रुको, हम लोग जाके आते हैं। क्यों, मैं क्यों नहीं? जेठालाल तुम वैसे ही थक गए हो, बहुत परेशान हो, तुम घर जाके आराम करो। और देखो चाचा जी भी परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए। और अगर वो लड़का हमें वहाँ मिल जाता है तो उसे पकड़ के हम सोसाइटी में लेके आएंगे ना, और कोई काम होता है तो बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेटा भाई, जाइए आराम कीजिए। लगे हुए थे। अति भाई यार, यही वो एरिया जहाँ पे चाचा जी के पोस्टर्स लगे हुए थे। हाँ, लेकिन आत्माराम इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है यार भाई, वो हमारा इंतजार करते हुए यहाँ खड़ा होगा कि भाई गोकुलधाम निवासी आए तो उनके सामने पोस्टर लगाऊं। एक मिनट, गोपाल भैया, पान वाले ने हमें कहा था कि जब दुकान बंद हो गई थी उसके बाद पोस्टर लगे, सुबह उसने देखा। तो मेरे ख्याल से वो इंतजार कर रहा होगा कि जब बिल्कुल चहल पहल नहीं हो तब आके पोस्टर लगाए, आएगा जरूर। पर मेहता साहब, हम सबको एक साथ यहाँ पे देख के वो बदमाश पोस्टर लगाने नहीं आएगा। एक काम करते हैं, यहीं कहीं आसपास छुप जाते हैं, जैसे ही आएगा उस पे हल्ला बोल देंगे। सही बात है। अरे डॉक्टर आदि, क्या सही बात है? अरे सॉरी, अरे पूरी रात वो नहीं आया तो कल सुबह घर चले जाएंगे। अरे ये लोग इतने रुको क्या कर रहे हैं? चलो देखते हैं। इतने सारे लोग इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर हम लोग यहाँ सब मिलकर जरा पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जी। अच्छा पेट्रोलिंग कर रहे हो, तो हम लोग क्या घर पे जाए? नहीं नहीं, देखिए आप गलत समझ रहे, हम लोग आपके काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहे। मैं तारक मेहता हूँ, राइटर, और ये सारे हमारे पड़ोसी गोकुलधाम सोसाइटी में रहते। सर आप आए थे ना गोकुलधाम सोसाइटी में, वो चंपकलाल जी के पोस्टर वाला केस। अच्छा वो चाचा जी वाला पोस्टर। पोस्टर वाला। सर हम लोग असल में रात में ये देखने के लिए निकले हैं कि वो लड़का कहीं इधर पोस्टर नहीं लगा रहा, इसलिए। एक काम कीजिए, आप लोग सब लोग घर पे जाइए, हम लोग रात में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमको पोस्टर वाला आदमी दिखा तो जरूर आपको बताएंगे। थैंक यू सर, थोड़ा जरूर से खबर कर देगा प्लीज। हाँ चलिए, आप लोग सब लोग घर पे जाइए। हाँ चलो चलिए, हम लोग आप लोग चलो। गुड नाइट। जान से सर, थोड़ा हाँ ध्यान से।
बापूजी कितने अच्छे हैं, उस बदतमीज लड़के की वजह से उनको इतनी परेशानी हुई, फिर भी उसे माफ करने का बोल रहे थे। मेरी माँ हमेशा कहती है, अच्छे लोगों का मन कमल जैसा होता है, कीचड़ में रहकर भी अपने मन पर कीचड़ का एक दाग भी नहीं लगने देते। बिना वजह बेचारे बापूजी कितने परेशान हुए। काश दया ये जो कुछ हुआ वो बापूजी के साथ नहीं मेरे साथ हुआ होता। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, सभी पोस्टर तो फाड़ दिए ना। पोस्टर फाड़ दिए दया, लेकिन फाड़ने से पहले कितने लोगों ने उस पोस्टर को देखा होगा। वो सब तो जब भी बापूजी बाहर जाएंगे बापूजी को उसी नजर से देखेंगे, बापूजी के बारे में बातें करेंगे। यही सोच सोच के मेरा दिमाग घूम जाता है। अरे आप काम का चिंता कर रहे हैं, रोज कितने घोटाले होते हैं उसके बारे में पेपर में आता है, लोग उसे पढ़ते हैं, कुछ दिन तक चर्चा भी करते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। वैसे ही पोस्टर वाली बात सब लोग भूल जाएंगे। अब चिंता मत करो, अब शांति से सो जाइए। का टाइम परफेक्ट है, बस वो पोस्टर लगाने वाला बदमाश पोस्टर लगाते हुए मिल जाए। इस रोशन सिंह सोडी के 2.5 किलो के हाथ का ऐसा हथौड़ा पड़ेगा कि वो फर्स्ट हैंड गड्डी से सेकंड हैंड गड्डी नहीं थर्ड हैंड गड्डी बन जाएगा। पप्पू, ओए पप्पू, पप्पू इतनी रात को क्या कर रहा भाई? अरे चिल्ला और चिल्ला चिल्ला के बात कर। अरे सोड़ी रात के 3 बजे सब लोग सो रहे, थोड़ा आराम से बात कर। हाँ मेरी घड़ी में भी सेम टाइम है। तो तू पप्पू रात के 3 बजे हैं। ओ चाटे यार, ओ ये बता इस समय तू सोसाइटी में क्या कर रहा? अरे मैंने सोचा सोड़ी के वो पोस्टर चिपकाने वाला लड़का अगर आया हो इस वक्त तो उसे जाकर देखा हो जरा। कमाल है पप्पू, और मेरे दिमाग में भी यही बात आई। चल भाई। अरे रुक रुक एक मिनट रुक, एक काम करते हैं, अपनी सोसाइटी के वो एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े को भी साथ में ले लेते हैं। भाई उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, 2 से भले 3। ओए पप्पू, वो 3 की क्या जरूरत है, और ये रोशन सिंह सोडी अकेले 100 लोगों के बराबर है गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा से। और वैसे भी पीड़ू को आराम से सोने दे, वो शादीशुदा और तू है कुवारा। इस वक्त शादी का टॉपिक निकलना जरूरी है। चलो चल भाई चल। ओ पप्पू, वो रात के 3 बज गए हैं, वो तेरे को डर तो नहीं लग रहा? डर? पत्रकार पोपटलाल ने दुनिया में डरना सीखा ही नहीं, मैं दुनिया हिला देता हूँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, बिंदास चल। वाह क्या बात है। ओ पप्पू तेरे को याद है वो भूतनी जब अपनी सोसाइटी में आई थी तो सब लोग कितना डर गए थे, वो रात को 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता था। याद है बिल्कुल याद, हमारी सोसाइटी में सब डरपोक है। हम दोनों को छोड़कर? हाँ। वो वैसे वो भूत लोगों ने मिलके अय्यर की और तेरी जम के धुलाई की थी। वैसे एक बात बता, ये भूत और भूतनी सच में होते हैं कि नहीं? भाई सोड़ी, ये इस वक्त रात को 3 बजे वो भूतों को याद करना जरूरी है, हम लोग वो पोस्टर वाले को ढूंढने आए के भूतों को। बात तो सही कह रहा, पर जस्ट जरा सोच, इमेजिन कर तू और मैं रात को 3 बजे सड़क पे चल रहे हैं, घोर सन्नाटा छाया हुआ है, कोई यहाँ पे है ही नहीं तेरे और मेरे सिवा, और इसी समय अगर कोई बंदा मिल जाए तो वो क्या भूत होगा क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, दुनिया में भूत भूतनी होते ही नहीं। और सुड़ी सुड़ी सुड़ी
बाबा सोनी, अरे सोनी, अरे सोनी कहाँ गया तू? सोनी पप्पू, वो देख पोस्टर बॉय, वो चल यार तेरी तो रुक रुक, अरे तेरी तो तेरी हिम्मत कैसी होगी, तेरी बदमाशी दिखाता है, तेरी बदमाशी तो अभी निकालता हूँ, चेक करा नहीं, क्या कर रहे हैं, अरे ऐसे काम करते हुए शर्म नहीं आती, और इसको तो अभी के भी यहीं पे के भी पटक दूंगा, अरे पर मैंने क्या किया हो तो बताओ, अच्छा क्या किया है, पोस्टर लगा था और बोलते है क्या किया मैंने, अरे सर्कस का पोस्टर लगा रहा हूँ, इसमें क्या गलत किया मैंने, सर्कस के पोस्टर, तेरी वो ये तो सर्कस के पोस्टर है, तो फिर चाचा जी के पोस्टर किसने लगाए, अरे कौन चाचा जी, वो जेठा पर आगे पिताजी, अब मुझे नहीं मालूम, अरे भाई सोड़ी इसको क्या मालूम होगा, इसको उतार भाई नीचे, हाँ साहब सर्कस का पोस्टर नहीं लगा सकते, ऐसा कोई रूल्स तो नहीं निकला ना, नहीं भाई नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम अपना काम करो, सॉरी हाँ, और भाई तू फिकर ना कर, तेरी ये जो सर्कस है ना, इसमें मैं यानी रोशन सिंह सोड़ी, गोगी पुत्र और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को लेके आऊंगा, ये बहुत अच्छी बात है, जाओ यार सोड़ी, यहाँ तो कहीं पर भी चाचा जी के पोस्टर नहीं लगे, पप्पू रात बहुत हो गई है, चल अभी घर चल, हाँ चल भाई चल, ए पप्पू तो इस तरह वो कुवारे भूत ने शादीशुदा भूतनी का शरीर छोड़ दिया, भाई सोड़ी तो क्या चाहता है, मैं कुंवारा इस दुनिया से चला जाऊं, वो की गल कर रहा पप्पू, और मरे तेरे दुश्मन, पप्पू सीविंग आ गया, अगर तेरे को डर लग रहा है तो घर पे छोड़ दूं, नहीं बहने सोड़ी मैं घर चला जाऊंगा, गुड नाइट, वो किधर जा रहा है यार, वो आगे कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, वो तो सुन, नहीं नहीं उसके बाद भूतनी ने भूत को, सोड़ी गुड नाइट, अरे अरे पप्पू सुन, कमाल करता है अभी, और जेठा परा को भी फोन कर दूं, उनको टेंशन मुक्त कर दूं, इतनी रात गया छोटे का फोन, हाँ छोटी कोई पोस्टर चिपका रहा था, और जेठा बेटा तुमको कैसे पता चला, मुझे मालूम था वो बदमाश नहीं सुधरेगा, तो उसको उधर ही पकड़ कर रख, मैं अभी आता हूँ, और जेठा बेटा मैंने तो उसको छोड़ दिया, क्यों, और जेठा बेटा वो बहुत सीधा साधा लड़का था, अरे बापू जी का पोस्टर लगाने वाला सीधा साधा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं जेठा बेटा वो चाचा जी का पोस्टर नहीं लगा रहा था, वो तो किसी सर्कस का पोस्टर लगा रहा था, बहुत सीधा साधा लड़का था, तो मैं उसको क्यों पकड़ के रखता, तो इतनी रात गए तूने वो सर्कस का पोस्टर चिपकाने वाले के बारे में बात करने के लिए फोन किया, और जेठा प्रा मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं और पप्पू सभी जगह देख के आए हैं, फिर से वो वाले पोस्टर कहीं नहीं लगे हैं, और पुलिस भी पेट्रोलिंग कर रही है, आप निश्चिंत हो गए, रिलैक्स हो गए, सो जाओ, थैंक यू छोटी, थैंक यू भाई, ऑलवेज वेलकम जी, वेलकम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, वाह हमारी सोसाइटी वाकई में सोसाइटी नहीं एक परिवार है, लोग एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं, सोए हुए लोगों को जगा जगा कर बोलते हैं सो जाओ, वाह बहू जी, बापू जी मैं योगा करने गार्डन जा रहा हूँ, लेकिन और सुन जेठिया को सोने देना,
जल्दी जगाना मन, कल से बहुत परेशान है वो। हाँ बापूजी। अरे जेठिया, तू इतनी जल्दी उठ गया और तैयार भी हो गया? बापूजी आप मुझे जलेबी फाफड़ा की सरप्राइज दे सकते हैं तो मैं जल्दी उठने की सरप्राइज नहीं दे सकता? हाँ लेकिन इतनी सुबह सुबह तैयार होकर तू जा कहाँ रहा है? आपके साथ है? मुझे पता था बापूजी आप अपना नियम नहीं तोड़ेंगे तो मैं आपके साथ आ रहा हूँ। क्यों बापूजी? अभी मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं अभी कोई रिस्क नहीं ले सकता। मम्मी, मम्मी, दादाजी। अरे दादाजी चलो मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। नहीं बेटा तू पढ़ाई कर और स्कूल जा, और तुम सब लोग मेरी इतनी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बापूजी अरे मैंने भी बचाव का पानी पिया है, कोई मुझे हाथ लगा के तो दिखाए। चिंता मत कर, चलता हूँ। बापूजी मैं आ रहा हूँ आपके साथ। जेठिया बुद्धे, शांति तो तुझे आज भी नहीं मिलेगी, देख मैं क्या करता हूं। एरिया में जितने भी लोग देखे ना सब में ये बांट देना, समझा? ठीक है साहब। अभी तो बुड्ढे पर इनाम भी डबल हो गया। ये बुड्ढे के ऊपर तो 20,000 रुपए का इनाम है। ये बुड्ढा मिल जाए तो अपनी चांदी हो जाएंगी यार। हाँ भाई साहब। हाँ आप इलेक्शन में खड़े हो क्या? नहीं तो क्या? नहीं ये आप ही की फोटो है ना। क्या है असल में मैं चश्मा घर पे भूल आया हूँ, इसलिए ठीक तरह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे पढ़ के बताएंगे इस पे क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें? लिखा है मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। क्या मैं पागल हूँ? और कुछ पूछ ले।
अरे यार, ये तो वही प्लैम्पेट वाला बुड्ढा है ना? और ये? हाँ, जिस पे 20,000 रुपए का इनाम है। बता। अरे हाँ, ये तो वही बुड्ढा है। हाँ। पकड़। पकड़ उसको। पकड़ जल्दी। पकड़। किती झालं तरी आपण मच्छीमार। अरे पैसा काय आज ना उद्या आहे, पण मावरा नाही मिळला तर मग खाली मावरा पण कमी मिळतं माहिती का तुला? ऐसा चलेगा तो कैसा होगा? ए ढोंडू, वो मात्रा देख, पागल जैसे हरकत कर रहा है। पांडू, ये तो वही 20,000 वाली मछली है। अरे हारे, ये वही पापलेट वाला मात्रा है। आज अगर इस मछली को हमने पकड़ लिया तो 20,000 रोकड़ा मिलेंगे, पूरे हफ्ते का धंधा हो जाएगा। हाँ हाँ, चल 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 चल, आराम से। हिलने का नहीं बाबा, तो क्या है ना, जरा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम तुमको तुम्हारे घर पे बराबर पहुंचेगा। हाँ, और 20,000 रोकड़ा ले लेगा। छोड़ो, पकड़ पकड़। अरे छोड़ो। हे ढोंडू, हे हे, रिक्शा रिक्शा, हे रिक्शा, हे थाम रे, थाम थाम। हे ढोंडू पकड़, चल 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 चल। अरे थाम ढोंडू, पहले है ना गोल, चल तो आजा आजा आजा, 20,000 रुपया लगा। छोड़ो मैं कहता हूँ। काका आ रहा है, लेकर नहीं आऊँगा। हे चल 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 चल, पाउडर गली चल, पाउडर गली चल, चल चल जल्दी चल, पाउडर गली चल। तो वही है ना पोस्टर वाले चाचा, जिन पे 20,000 रुपए इनाम लगा है? नहीं नहीं नहीं, क्या? हाँ हाँ, क्या इतनी बड़ी मछली अकेले लेके जाओगे क्या? ए, अकेले क्या, दिक्कत नहीं, हम दो जने हैं। ये भाई दो नहीं, तीन। ए भाई, हम लोगों ने मेहनत करके इस मछली को पकड़ा है। हाँ, इसलिए इनाम के हकदार हम लोग हैं। हाँ, हम दोनों हैं। अपन एक काम करते, इसमें पार्टनरशिप होएगा। 20,000 में से 5,000 मुझे दे दो, बाकी के तुम लोग रख लो ना, क्या बोलते हो? ए, चल रे, क्या क्या पार्टनरशिप? चलो चलो सीधा चलो। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ये सीधा रिक्शा अभी पुलिस स्टेशन जाके रुकेगा। अरे बाबा, काय को गुस्सा होता है, देख 5,000 का मीटर तेरा पक्का, अभी बीच में किधर भी रुकने गए, डायरेक्ट गोकुलधाम सोसाइटी। चल चल जल्दी कर, चल अभी टाइम पास मत कर, जल्दी किक मार। अभी क्या हुआ? ढूंढिया, अरे माता ने मान टाक ली, सब लगा जाए। ये पांडू, मुझे लगता है ये मात्रा बेहोश हो गया है, अगर इसे कुछ हो गया ना तो हम लोग को पैसे नहीं, जूते पड़ेंगे, जूते। अरे देखते क्या, उसे जल्दी नीचे उतारो, उसके मुंह पे पानी मारो तो होश में आएगा।
चलो चलो नीचे उतर नीचे ये उतारो पहले चलो चलो पहले अरे बाबा वो पानी जल्दी जल्दी मारना जल्दी बाबा पानी क्या कर रहा है अभी कैसे लगता है ठीक लग रहा अरे पांडो अरे अरे सब बोलते अरे अरे पकड़ पकड़ अरे 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 पापलेट अरे रुक ले भाजी ले लो भाजी भाजी अरे पकड़ सर हेलो हाँ हाँ सीधा सूरत ही पहुंच रहा हूँ निकल रहा हूँ बस हाँ अरे गेला कुठे मला काय माहिती या बाजून तर आला अरे तुला सांग जरा जोरात जाऊ जोरात जाऊ ऐकत नाही तू हे शब्द तुझ्यामुळे झाले दिसल दिसल थांब जरा मी चला गया अभी गेला मग चल अभी हां चल अरे दया हाँ ये बापूजी गार्डन से रोज 8:30 बजे तक आ जाते हैं ना हाँ तो उनका कुछ फोन बनाया था नहीं तो अभी तक आया क्यों नहीं 10 बज गए अरे हाँ 10 बज गए अभी तक क्यों नहीं आया आप एक काम करो ना त्रिभुवन काका को फोन करो ना क्यों क्यों क्या आप उनको फोन करके पूछिए कि अभी तक बापूजी क्यों नहीं आए त्रिभुवन काका त्रिकाड ज्ञानी है नहीं तो फिर उनको अहमदाबाद में बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि बापूजी कहाँ है और अभी तक घर क्यों नहीं आए ओ फोट पुके पापा मैं मेरे अहमदाबाद वाले त्रिभुवन काका की बात नहीं कर रही हूँ तो मैं बापूजी के दोस्त जो उनके साथ रोज गार्डन में योगा करते हैं ना उनकी बात कर रही हूँ अच्छा अच्छा ओ सॉरी तो टेलीफोन डायरी देना जरा इसमें तो उनका नंबर नहीं है टीम में देखिए अरे टीम में भी देखा और काका के कैमरे में भी देखा नहीं है नंबर तो फिर डी में देखिए डी हाँ दोस्त त्रिभुवन शायद बापूजी ने ऐसा लिखा हो नहीं इसमें भी नहीं है तो एम एम हाँ मित्र अरे तू क्या टाइम पास कर रही है दया सॉरी सॉरी आर में देखिए आर से क्या रिच सर के दोस्त अरे नहीं नहीं आर से राम जी काका बापू जी के दूसरे दोस्त है ना वो भी गार्डन में जाते हैं अच्छा हाँ इनका नंबर है हाँ तो हेलो हाँ हेलो रामजी काका जेठालाल बोल रहा हूँ बापूजी आपके साथ में हैं नहीं अच्छा तो घर आने के लिए निकल गए कहाँ से गार्डन से गार्डन से हाँ लेकिन चंपक तो गार्डन में आज योगा करने आया नहीं
क्या ऐसा कैसे हो सकता है? बापूजी तो गार्डन जाने के लिए रोज के टाइम पे घर से निकल गए थे। अरे त्रिभुवन, चंपक घर से योगा करने निकला था पर यहाँ पहुँचा ही नहीं, तो किधर गया? अरे जेठा, चंपक किधर गया? वही जानने के लिए मैंने आपको फोन किया। कोई बात नहीं काका, मैं आपका बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? अरे दया, ये रामजी काका तो कह रहे बापू जी आज गार्डन आया ही नहीं। टप्पू के पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? बापू जी गार्डन नहीं गए तो फिर कहाँ गए होंगे? कहीं वो लड़के ने फिर से उनके पोस्टर तो नहीं लगा दिए होंगे? नहीं नहीं, कल रात को मेहता साहब, सोडी, पोपटलाल सब बाहर गए थे देखने, चेकिंग करने के लिए, और रात को सोडी का फोन भी आया था, वो लड़के ने ऐसे और कोई पोस्टर नहीं लगाया। तो फिर कहाँ गए होंगे? रोज देर से जाने वाले हो या फिर देर से आने वाले हो, हमेशा बता कर जाते हैं। मेरी दाई आँख फड़क रही है। अरे दया, एक तो वैसे ही यहाँ पे टेंशन है, ऊपर से अपनी दाई आँख फड़फड़ा कर और टेंशन मत बढ़ा। हाँ गए होंगे बापूजी। हाँ लवजी काका, आपके घर पे है बापूजी? नहीं नहीं बाप, पता नहीं, वो एक दो दिन पहले आपका याद कर रहे थे तो मुझे लगा शायद वो अभी बाहर गए ना, मोबाइल रखते नहीं है बापूजी, तो इसलिए थोड़ा काम था मुझे, तो मुझे लगा शायद आपके घर पे आए होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ आए तो मुझे बताना। ओके थैंक यू। दया वहाँ भी नहीं है बापू जी। ये बापू जी भी पता नहीं मोबाइल क्यों नहीं रखते, कल जो कुछ हुआ इसीलिए मैं आज उनके साथ जा रहा था, लेकिन मुझे मना कर दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। अभी पता कैसे चलेगा कहाँ है बापू जी? टिप्पू के पापा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे भी। मैं काम करता हूँ दया, मैं मेहता साहब से मिल के आता हूँ। कहाँ होंगे बापू जी, किस हाल में होंगे? हे भगवान, बापू जी पे कोई नई मुसीबत मत आने देना। अंजलि, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तारक, अब जा रहे हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ अंजलि? ऐसे नहीं जाने दूंगी। अरे अंजलि ऐसे मत बोलो, वरना जाना मुश्किल हो जाएगा मेरा। रुक भी जाता लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है अंजलि। अरे हाँ बाबा जाइए, लेकिन ये टिफिन लेके जाइए। टिफिन की बात कर रही थी तुम? बाबा पता नहीं आज कैसे रह गया। आज नहीं, आज भी रह गया। मेहता साहब इधर इधर इधर। मेहता साहब जल्दी चलिए। कहाँ? बापूजी को ढूंढने जाना है। क्या मतलब? क्या हुआ बापूजी को? अरे बापूजी रोज की तरह आज भी सुबह गार्डन में योगा करने के लिए निकले, लेकिन गार्डन पहुंचे ही नहीं। क्या बात कर रहे हो जेठालाल? हाँ रोज तो 8:30 बजे तक आ जाते हैं, अभी देखो 10 बज रहे फिर भी वापस नहीं आए। लेकिन जेठालाल तुम्हें कैसे पता कि वो गार्डन पहुंचे ही नहीं है? उनका दोस्त है रामजी काका, मैंने उनको फोन किया। हाँ? तो उन्होंने बताया कि तेरे बापूजी आज तो गार्डन में आए ही नहीं। चलिए चलिए उनको ढूंढने जाते हैं, कुछ पता तो चले क्या हुआ क्या नहीं। क्या तारक, क्या सोच रहे हैं? नहीं अंजलि, मैं सोच रहा था ऑफिस। अरे मेहता साहब, यहाँ मेरे बापूजी गुम हो गए, आपको ऑफिस जाना है? नहीं 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 जेठालाल, मैं ऑफिस जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये सोच रहा था कि ऑफिस में बॉस को क्या बहाना बोलूँ कि मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। अरे इसमें बहाना क्या बनाने का मेहता साहब, जो सच है वो बोल दो कि मेरे जिगर जान दोस्त के बापू जी गुम हो गए तो उनको ढूंढने जा रहे। अरे भाई वो बात को समझेंगे, वो भी बापू जी वाले होंगे ना? होंगे क्या है, उनके भी बापू जी है। बस तो फिर जो है वो बोल दो, रास्ते में से फोन कर देना। चलो 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 टिफिन ये भी लो। चलो ठीक है। चलिए एक मिनट जीता, चाचा जी की एक तस्वीर साथ ले लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं दया को बोल देता हूँ, वो नीचे दे जाएगी कंपाउंड में। मैं सोडी को फोन कर दूँ कि वो जीप लेके कंपाउंड में आ जाए। बराबर, करो करो। हेलो,
हेलो दया, मैं और मेहता साहब बापूजी को ढूंढने जा रहे हैं, तो तू बापूजी एक अच्छी वाली फोटो जरा नीचे कंपाउंड में दे जाना। ठीक है। हाँ। लगा। ओ, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ गुड मॉर्निंग छोड़ी, कहाँ है तू इस वक्त? मेहता साहब मैं हार्ड वर्किंग बंदा हूँ और गैरेज पे हूँ, तुझे दसो की होया? एक काम कर, अपनी जीप लेके फटाफट सोसाइटी कंपाउंड में आजा प्लीज। दसो दे सी केड़ी टेंशन हो गई, की हो गया? अरे अभी सवाल मत कर सोड़ी की क्या हुआ, तू आ तो सही, मैं सब बताता हूँ, तू जल्दी आ जा। मेहता साहब है गल, तो आप 1 से 100 तक गिनती गिनना शुरू करो, रोशन सिंह सोड़ी 100 गिनती होने से पहले गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच जाएगा। ओके चले 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 चले। क्यों है सोड़ी भाई? क्यों है नु, तू छाट फटाफट ये काम कर, गड्डी अपने को कल देनी है, पर हम लोग आज ही दे देंगे ताकि रोशन सिंह सोड़ी के गैराज की गुडविल बढ़े। ये ले फाड़ और लस्सी पी, चल वही सोड़ी। लीजिए फाटा। हाँ बोले रामजी काका। तुम तो आया क्या घर पे? नहीं नहीं आए, हम लोग बापू जी को ढूंढने ही जा रहे, अगर आपको कुछ पता चला तो जरा प्लीज फोन करना। ठीक है। ओके थैंक यू। हे भगवान, बापूजी जहाँ भी हो सही सलामत हो। अरे बाप रे, चलती गाड़ी से कैसे उतरूं? ये तो बंद हो गया। क्या चाचा जी अभी तक घर पे नहीं आए? नहीं भाई जेठालाल, सारी गलती तुम्हारी है। कल के हादसे के बाद आज सुबह तुम्हें चाचा जी को इस तरह से अकेले बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए। अरे मैं नहीं जाने दे रहा था, लेकिन बापूजी ने मेरी बात ही नहीं मानी और अकेले निकल गए। कह रहे थे वो कल तो सारे पोस्टर फाड़ दिए, आज कुछ नहीं होगा। टप्पू के पापा अभी क्यों खड़े हैं? जल्दी से जाइए, बापूजी को ढूंढिए। हाँ वो मेहता साहब ने सोटी को फोन किया, वो जीप लेके आ रहा है, उसके आते ही हम लोग निकल जाएंगे जीप में। मैं फिर देखता हूँ कहाँ है यार वो। हाँ देखो जरा कहाँ पहुँचा वो। हाँ। लो आ गया। अच्छा भाई इतना टाइम तो लगा था, कितनी देर? अरे 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 सोड़ी, अरे 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 सोड़ी, अरे सोड़ी भाई, सोड़ी, अरे 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 सोड़ी सोड़ी, अरे अरे पप्पू भाई, अरे सोड़ी सोड़ी, अरे सोड़ी भाई तू क्या कर रहा है? अभी उड़ा देता तू मुझे। पप्पू उड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। पप्पू और तू भी कमाल करता है। ओ छाट, ओ मेहता साहब की टेंशन होगी, क्यों बुलाया? अरे टेंशन हो गई छोड़ी, चाचा जी सुबह गार्डन में घूमने गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, उन्हें ढूंढने जाना है इसलिए तुम्हें बुलाया। चाचा जी गायब हो गए? हाँ। आज अगर इस बदमाश ने चाचा जी के साथ कुछ किया ना तो मैं इसको रेगिस्तान में ले जाकर रेत में जीप के पीछे बांध कर घुमाऊंगा। सुनिए एक बात बता, तेरी ये जीप रेगिस्तान में चलेगी? पहले चाचा जी को ढूंढ के आते हैं, फिर तुझे अच्छे से समझाते हैं। बापू जी आ गए सोसाइटी में तो हमको फोन करके बताना। चले तो फोन में बैलेंस है ना? दया तू फोन कर देना। अरे है भाई बैलेंस है, सूर्य अभी निकल लेट हो रहा है। अरे क्या हो गया सूर्य? पता नहीं मेहता साहब, जीप पे डीजल है ना, रात को ही डलवाया था। ओए धन्नो रानी स्टार्ट हो जाए यार, चाचा जी की इज्जत का सवाल है। मतलब चाचा जी को ढूंढने जाना है। स्टार्ट करना भाई। ओ पिडू क्या देख रहा है, धक्का मारना प्लीज। हाँ पिडू पिडू फास्ट 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 जल्दी। ये तेरी गाड़ी को अभी बिगड़ना था। ओ मेरी तो किस्मत ही बिगड़ी हुई है। दया भाभी सॉरी सॉरी। अरे भाई भिड़े क्या कर रहे हो, कैसे धक्का मार रहे हो, गाड़ी हिल भी नहीं रही है। अरे कैसे हिलेगी पोपटलाल, चाचा रानी जीप पे बैठे हो, अकेला धक्का मार रहा हूँ मैं। सॉरी सॉरी मैंने हेल्प कर चल ना तेरी। अरे छोटी तू क्यों उतर गया? अरे हाँ सब लोग उतर गए। गणपति बप्पा जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। उठा उठा छोटी, उठा छोटी, चल सो।
सोडी सोडी क्या हुआ यार अरे सोडी सोडी कब से अरे उठा ना सोडी सोडी कर रहा है क्या हो रहा है अरे भाई सोडी यहाँ तो तेरी जीप चल नहीं रही है रेगिस्तान में क्या खाक चलेगी एक काम करते हैं ये जीप रहने देते हैं रिक्शा से जाते हैं हाँ भाई कौन इंतजार कर रहे हैं चलो भाई चलो 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 मैं फोन करता हूँ कुछ भी होता है अरे देवा मेरे घर के आगे गाड़ी पार्क कर दी आतिफा आपने घर के आगे गड्डी खड़ी नहीं की है वो एक्चुअली गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही है अच्छा अच्छा मैं धक्का देता हूँ ना प्लीज प्लीज आ जाओ कोई फायदा नहीं आती भाई स्टार्ट नहीं होगी अरे बिल्कुल होगी भिड़े मास्टर इतना खाया किस दिन काम आएगा अब ब्लू शिक्षक है बी पॉजिटिव अरे हमने कोशिश की हाथी भाई नहीं हो रही है शाबाश हाथी प्रा शाबाश वेरी गुड जम के और आप जी कृपा कर दो कम ऑन हंस तो कितना भी ट्राई करो आती भाई ये जीप स्टार्ट हो गई अरे रुको यार रुको क्या बात है आती भाई डॉक्टर के पहलवान है अरे अरे आराम से आराम चलो 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 बैठो बड़े मास्टर ये सुबह सुबह कहाँ घूमने गए घूमने नहीं गए वो चाचा जी घर पे नहीं आए अभी तक ढूंढने गए क्या बात कर रहे हो हाँ सुनिए रुक 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 वो आप में क्या पास बापूजी का फोटो वाला कुछ है बस अब एक सेकंड में देखो ये देखिए मेहता साहब अभी उस बदमाश लड़के ने 20,000 के इनाम वाला टेम्पलेट छपवा दिए अभी 20,000 के इनाम के लिए लोग बापूजी के पीछे पड़ गए होंगे अरे रोको अरे गाड़ी रोको अरे ओ भाई ओ भाई अरे अरे गाड़ी गाड़ी रोको अरे अरे सुन रहे हो कि नहीं मुझे चालू कर दिया अरे बंद कर यार धक्का धक्का अरे अरे बंद कर इसको तो बंद कर भाई अरे खोल ये छुल रहे कि नहीं बबूचान Wee 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 w